अपना कुरियर आ गया है एक, क्योंकि ईयरफोन्स अपने ख़राब हो गए थे, तो बस वही आप मंगाए हैं। क्यों बटर पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा पतला है, मतलब पैकेजिंग के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इसने जो कुछ ना कुछ फेक सिस्टम में मुझे वापस करना पड़ेगा, या तो ईयरफोन ख़राब है या फिर कुछ तो गड़बड़ है। लेट्स सी, ओपन करके देखते हैं। चीज़ समझ में नहीं आई है, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ कि लाइक अमेजोन से मैंने कोई भी पार्सल कुरियर मंगाया हो, कोई भी चीज़ ऑर्डर की और इस तरीके की पैकेजिंग में आई हो, इस तरीके की पैकेजिंग विदाउट लाइक विदाउट बॉक्स या फिर कुछ भी। बट पैकेजिंग तो यार गड़बड़, पैकेजिंग फटी हुई है, बट मुझे ये कंडीशन मुझे काफ़ी सही लग रही है। सो मैं सोच रहा हूँ एक दो दिन मैं यूज़ करके देखता हूँ, और अगर कुछ भी मतलब गड़बड़ लगती है वापस कर देंगे। क्या जा रहा है अपना टाइम, हो गया अभी भाई साहब 3:20 और मुझे निकलना है नोएडा सेक्टर 26 के लिए, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास में। मैं रास्ते में चलते चलते बताऊंगा कि डॉक्टर के पास में क्यों जा रहा हूँ, क्या सिस्टम है। वैसे कोई सीरियस चीज़ नहीं, इट्स जस्ट अ नॉर्मल चेकअप वाली चीज़ है। सो या अभी फटाफट से तैयार होते हैं और निकलते हैं यार। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। अरे यार, ये रूम पार्टनर आने के चक्कर में ना मुझे ब्लॉग करने में बहुत दिक्कत होती है, ब्लॉग नहीं कर पाता मैं एक्चुअली में, क्योंकि भैया मतलब कोई इंसान कंफर्टेबल है या नहीं है, क्या सोचेगा क्या नहीं, तो वो चीज़ है। और रूम में रहता तो फिर नहीं कर सकते। अभी वो कपड़े धोने गया तो इस वजह से मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। बाइक मतलब धुलने के बाद में अच्छी दिखने लगी, फिर भी हल्की फुल्की देखो धूल तो आई जाएगी, बट या स्टिल मैन पहले से तो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। सो या लेट्स गो। और ये जो है ना, ये मैं ठीक नहीं करवाने वाला। क्या करना है यार, बार बार साला बंदर या बिल्ली आकर के फाड़ जाएगा। आगे चलने से पहले एक बार यार पेट्रोल डलवानी पड़ेगी हमें, क्योंकि ऑलमोस्ट फ्यूल जो रिज़र्व पे आ गया है। BS6 में यार यही प्रॉब्लम, BS6 में ये जो वन स्टिक जो आपको दिख रही है, ये अगर ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगी तो रिज़र्व होगा। अभी मैंने पढ़ा, पहले मुझे ये भी नहीं पता था। हाँ यार, पता है ये वाला ईयरफोन जो कान में ना फिट होकर के नहीं रह पा रहा है, तो मुझे आई थिंक रिप्लेसमेंट के लिए मुझे डालना पड़ेगा। एंड या अभी चल करके पेट्रोल भरवानी है अपनी बाइक में, क्योंकि पेट्रोल कम हो गई है, और हवा चेक करवानी। हवा वैसे सही होनी चाहिए, बट हाँ स्टिल एक बार चेक करवा लेंगे क्या जा रहा है। यहाँ से पेट्रोल डलवा लिए, तो अभी हवा चेक करवाते हैं, फटाफट से निकलते हैं यार। टाइम हो गया है 4:45 हो गए भाई साहब। चलो पहुँचने में अराउंड मुझे 30-35 मिनट लगेंगे आराम से। और भाई साहब लग गई, पता है यार 1.5 साल से जो लॉकडाउन लगा हुआ है ना, उसने जो ना अच्छे से लगा दी है, जीन्स पहनने की आदत ख़त्म करा दी है। और अब जीन्स पहनी हो ना तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है पता नहीं, टाइट सी। अभी कंफर्ट चाहिए। ओ ये क्या था ब्रो, ऑडी R8 थी या फिर कोई और सी थी भाई, लेकिन एग्जॉस्ट क्या प्यारा एग्जॉस्ट है इस गाड़ी का भाई, बहुत सेक्सी। हाँ तो बता रहा था यार, जीन्स पहनने की आदत ख़त्म हो गई है, मस्त मन करता है जहाँ भी जाओ लोअर डालो आराम से ऐसे ही चले जाओ, बट हाँ नहीं जा सकते हैं, क्या करें भाई। देखो मेरा नोएडा सेक्टर 26 आने से मेरे दो फायदे हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग इज़ कि मेरा अपॉइंटमेंट का जो काम है, जो डॉक्टर के पास जाना है, वो तो हो ही जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ कि मुझे जो है ना ग्लव्स लेने हैं, तो ग्लव्स मैं खरीद सकता हूँ। मुझे यार लाइफ में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए हैं इस टाइम पर। नंबर 1 इज़ बाइक, एक अच्छी सी एक बाइक। नंबर 2 इज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दैट इज़ कि एक GoPro भैया बहुत ज़रूरी है। सीरियसली मैन, एक GoPro लेना है ताकि आप लोगों के लिए मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकूँ। लेट्स सी कब तक ले पाता हूँ। और बाइक तो लेनी है, बाइक के साथ में राइडिंग गेयर्स और वो सारी चीज़ें लेनी है यार, बहुत ज़रूरी है। सीरियसली मैन, एक अच्छी ढंग की बाइक होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लेट्स सी कब होता है, क्योंकि देखो घर वाले तो दिलाने से रे बेटा, घर वाले तो कह देंगे बेटा ऐसा है कमाओ और खुद लो, बात खत्म। या बाकी का कोई अगर डोनेशन करना चाहे तो कर सकता है, मैं पेटीएम नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कोई अगर डोनेशन करना चाहे तो कर देना, ठीक है ना। एक नहीं, कम से कम 100-100 रुपये तो खरीदो, अगर 100-100 रुपये कर दोगे तो कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो हो ना हो GoPro ले लूँगा, और अगर GoPro ले लूँगा तो फिर तुम लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट आने लगेगा। GIP मॉल, अभी कुछ ऐसा करने वाला हूँ मैं जो यूजुअली लोग बात नहीं करते, दैट इज़ कि
अपन जो है कपड़े चेंज करूँगा, डिग्गी में से कपड़े निकालूंगा, लोअर टी शर्ट डालूंगा। भाई जीन्स में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉकडाउन, मतलब जितने भी 2021 में ये मेरा फर्स्ट टाइम है इंडिया। आई एम रेडी, आई एम ऑल सेट टू गो, लेट्स गो। अरे यार इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना भाई साहब, दिमाग ख़राब हो गया है। चलो आई एम ऑल सेट टू गो। अभी मैं जीआईपी था, जीआईपी मैंने बस टी शर्ट चेंज की है और अपना हो गया भैया 5:50, 10 मिनट बचे हैं बस अपने पास में। एंड यार लेट्स गो। ओके वापस आ करके कुछ खाएंगे, भूख लग रही है बहुत तेज से। एंड हाँ बाकी का आई डोंट नो, मतलब ये मार्केट बस खुली हो तो अपने जो है ना ग्लव्स मिल जाएंगे। लेट्स गो, डन विद द सेशन मैन। इट टुक अराउंड 15 to 20 मिनट, ज़्यादा टाइम लगा नहीं है। सो अभी चलते हैं सेक्टर 18 और चकल करके कुछ खाते हैं और उसके अलावा ग्लव्स ढूंढते हैं चल के अपने लिए। दिस इज़ अट्टा मार्केट, यहाँ पर भाई सब जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिल जाता, मतलब जो स्ट्रीट मार्केट्स होती हैं वो है ये। अपने को यहाँ पे लेना है भाई साहब ग्लव्स और हो सका तो टी शर्ट्स वगैरह भी देख लूँगा। चलो जी अपना ये कवर जो है चेंज कर लिया, फाल कवर पूरा ख़राब हो गया था, नया कवर ले लिया है और ग्लास भी चेंज कर लिया, ग्लास पूरा टूट गया था। कितना हुआ भैया टोटल दोनों का? अपने ग्लव्स तो मिले नहीं बट ये बैग एक मैंने ख़रीद लिया और अपना बैग कवर और फ़ोन का जो टेम्पर्ड ग्लास था वो तो लगवाया है। फ्ली मार्केट में आने का यार, फ्ली मार्केट का यही घाटा होता है कि मतलब घाटा भी होता है फ़ायदा भी होता है। जैसे सब वाटर प्रूफ क्या? हाँ ये तो अभी इसलिए छूटने लगा स्काई बैग, ये तो छूट गया। फ्ली मार्केट का पता क्या है, ये एक ही फ़ायदा होता है केवल फ्ली मार्केट का कि चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, और एक ही घाटा होता है फ्ली मार्केट में आने का कि तुम्हारी जेब में पैसा हो ना हो तुम खर्च कर ही देते हो। जो मैं 250 रुपये का लिया है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा कि मैं कहीं ठगना गया हूँ। लेट्स सी, होप फॉर दी बेस्ट, बस ठगना गया हूँ। और ये सामान इसमें भेजते हैं अब। बताओ जिस चीज़ के लिए मैं गया था सेक्टर 18 के अट्टा मार्केट में वो तो मिली नहीं अपने को, अपने ग्लव्स तो मिले नहीं, वो भाई साहब ऑनलाइन ही ऑर्डर करने पड़ेंगे। बाकी का मैंने खर्चा कर दिया, बैग की ज़रूरत भी नहीं थी तब भी ले दिया है भगवान। घर वालों ने अगर ये ब्लॉग देखा ना मम्मी मार देंगे मुझे, जान से कहेंगी अच्छा इसीलिए पैसे तुझे मिल रहे हैं, फालतू में उड़ाता रहे पैसे। पैसे उड़ाने से आया चलो कुछ खाते हैं। कौन बोला? अरे यार देखो भूख लग रही है, वैसे बाहर मैं खाता नहीं हूँ ठीक है ना, और वो खाने में यार पैसे उड़ाना नहीं होता है बट हाँ मेरे खाने में साला पैसे उड़ाना ही होता है लग रहा है। चलो चलते हैं फटाफट से। पता है यहाँ से मैं बाइक लेकर गया पूरा पीछे तक, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग साइड नहीं जाना होता, जबकि 20 मीटर केबल था, सामने पुलिस वाला खड़ा था, अगर जाता तो कट जाता चालान, नहीं तो 100-200 रुपये देने पड़ते उसको। ये अपन है अभी एक्चुअली में सेक्टर 18 और बोटेनिकल वाले एरिया में, और इस साइड में मुझे सेक्टर नहीं याद बट एक अंकल हैं जो खाना खिलाते हैं और 5 रुपये में पेट भर के खाना खिलाते हैं। मुझे जाना था उनके यहाँ ब्लॉग बनाने के लिए बट आई डोंट नो अभी आजकल वो लगा रहे होंगे या नहीं लगा रहे होंगे। सोचो केवल 5 रुपये में पूरा पेट भर के खाना, जो भी खाना है तुमको खाओ, मतलब बेसिकली जो भी खाना वो लेकर के आएंगे उसमें जितना खाना है खाओ, पर हेड 5 रुपये। भाई सब इससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है इंडिया। मेरे पास ना दो ऑप्शन है, या तो मैं बिरयानी खा सकता हूँ या फिर वो खा सकता हूँ लिट्टी चोखे। लिट्टी चोखा मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया है, बिरयानी मुझे कहीं भी मिल सकती है तो चलते हैं लिट्टी चोखा खाएंगे चल के भाई, सब मज़ा ही आ जाएगा। बिहार की बेस्ट रेसिपी, मस्त एकदम। अरे यार पोपट हो गया अपना और कुछ नहीं, पहले बिरयानी खाने का मन था फिर मैंने मन चेंज किया, मैंने चलो आज लिट्टी चोखा खाएंगे, क्यों सेक्टर 18 बहुत अच्छी लिट्टी चोखा देता है। पता लगा यार इतने दिल से गया मैं लिट्टी चोखा खाने के लिए, पता लगा उसने लिट्टी चोखा ही नहीं लगाया था, मैं ये भूल ही गया था कि भाई साहब जस्ट अब ये भी लॉकडाउन से निकले हैं। अब मन तो लिट्टी चोखा खाने का ही है तो नहीं मिला, तो अब सोच रहा हूँ कि ग्रेटर नोएडा जाऊँगा आराम से, वहाँ पे शायद लिट्टी चोखा मिलेगा, नहीं तो फिर मोमोज खाऊँगा जाके। भूख लग रही है बहुत तेज से, सीरियसली बता रहा हूँ, अगर कसम से अगर घोघरू हो जाए ना भाई मज़ा आ जाएगा, इतना फन मैं तुम्हें दे सकता हूँ ना घोघरू आते ही। तुम भी सोचोगे भाई ये क्या हुआ ड्रास्टिक चेंज ब्लॉगिंग में। हाँ क्योंकि फ़ोन हर जगह यूज़ नहीं कर सकते ना, बाइक चलाऊँ कि फ़ोन यूज़ करूँ तो वो चीज़ हो जाती है इसीलिए, नहीं तो आज एक इतनी फ़नी स्टोरी थी ना
मैं आपको दिखाता मज़ा ही आ जाता, क्योंकि मेरे बराबर में जा रही थी पोर्श पैनारोमा है कौन सी है वो जा रही थी, और मेरे आगे एक अंकल और एक आंटी थे, दोनों हेलमेट लगा करके जा रहे थे। तो भाई साहब क्या ही फनी इंसिडेंट था वो। भाई आई एम एट एडवांट, यस एडवांट बिजनेस पार्क पहुँच गया हूँ। हाँ क्या ही फनी इंसिडेंट था, पता क्या हुआ, मेरे आगे थे वो, अब क्या हुआ कि यार ट्रैफिक लग रही थी, अब वो गाड़ी को देखने में लगे हुए, अब ना मुझे आगे जाने दे रहे हैं और ना खुद आगे जा रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं और गाड़ी को देखने में मगन है भाई साहब। भाई ऑब्वियस सी बात है यार, इतनी प्यारी गाड़ी यार पोर्श पैनारोमा यार, इतनी प्यारी गाड़ी कौन ही नहीं देखेगा। बट यार पता नहीं अपनी किस्मत में होगी भी नहीं होगी यार। भाई साहब ये जो जगह है ना अल्फा वन सी मार्केट में मस्त, भाई इसके यहाँ भीड़ हमेशा लगी रहती है, इतना ज़्यादा इसका मोमोज बिकता है, बहुत ही सही मोमोज बनाता है ये मस्त एकदम। ये अपने आ गए फ्राइड पनीर मोमोज मज़ेदार, ये रही चटनी, ये रहा वो बंदा, अबे फोकस क्यों नहीं जा रहा भैया। हाँ